back to my channel और finally vlog बन रहा है how I met Tejas पे, क्योंकि हमारे जो Tejas sir थे इनकी वजह से vlog cancel हुआ था, इनकी dates नहीं मिल रहे थे हमें so called, तो अभी तो इसलिए not like other people. Oh other people, we'll talk about it later. तो जानते बहुत इंग्लिश हो गई. तेजस ही खुद आज बताएगा कि मैं तेजस को कैसे मिली. भले ही ब्लॉग हाउ आई मेट तेजस है, लेकिन मैं कुछ कुछ चीजें बीच बीच में भूल जाती हूँ. तो वो तेजस को बड़ी अच्छे से ध्यान में रहती है और इसको सुबह शाम मेरी बेइज्जती करना भी बहुत पसंद है इन अ गुड वे. ओके तेजस, नाउ यू स्टार्ट कि मैं तेरे को कैसे मिली थी. कैसे मिली थी? फीस भर के आई थी डांस. देख एकदम सिंपल है. देखो मैं तब तक काफी सीनियर एक कोरियोग्राफर था. आई यूज्ड टू हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. नहीं ऐसा कुछ नहीं था, मैं यंग था और मैं एक डांस क्लास में एज अ इंस्ट्रक्टर काम करता था. और मुझे एक चीज बतानी है. ठीक है अभी ये आई है तो इसकी थोड़ी तारीफ कर ही देते, वरना लोग आगे से आएगा नहीं. तो लास्ट व्लॉग में बोला था कि मेरी फ्रेंड क्लास जा रही थी और उसने मुझे बोला था कि 2 दिन का फ्री ट्रायल रहता है तो तू चल. और उसने उसके साथ मुझे एक चीज कही थी कि वहाँ ना एक सर है तेजस धोके, वो सबसे अमेजिंग क्लास लेते हैं, सब सब सबको उनका क्लास करना रहता है. तो क्लास के बारे में नहीं बता रहा, आंसर में बता रहा. अभी लोगों को लगेगा मैं तेरे लिए उधर आई थी इसलिए मैं हैंडसम नहीं बोल रही थी, उसको तो हैंडसम लगता था. अच्छा. तो थैंक्स टू हर कि उसने मेरे को वो क्लास तक खींच के लेके आई. और उसने स्पेशली मतलब तेजस के जो क्लास लेने के तरीके थे, यू नो, जो जेन्युइन तरीके से वो सिखाता था, जो थियोरेटिकल चीजें, प्रॉपर वर्कआउट, एवरीथिंग, तो काफी सारे स्टूडेंट्स लड़कियां, इनफैक्ट लड़के तेजस सर से इम्प्रेस थे. तो इसलिए मैं क्लास में तेजस सर के लिए नहीं आई थी, बस मैंने सुना था कि वहां तेजस सर है. अभी उधर आने के बाद जब मैंने तेजस सर का क्लास किया, क्योंकि मैं तेजस सर एडवांस बैच को सिखाते थे और मैं बिगनर्स बैच में थी, तो मेरे इंस्ट्रक्टर दूसरे थे. लेकिन उस टाइम पे एक दिन तेजस सर हमारे क्लास में आ गए थे और उन्होंने जोरदार वर्कआउट लिया था, जोरदार. और मैंने लास्ट व्लॉग में ये भी मेंशन किया था कि मैं सीढ़ियां उतर उतर के ऐसे गिर रही थी, क्योंकि वो तेजस सर ने ही हमारा क्लास लिया था. और वो बैठ बैठ के हमें चला रहे थे, पता नहीं क्या क्या करवा रहे थे. और मैं ऐसी पंजाबन जिससे जंपिंग जैक्स भी नहीं होते थे, उस दिन वाट लग गई थी. यू कंटिन्यू कि मैं कैसी थी उस टाइम पे. वो वर्कआउट के टाइम पे सॉरी मैंने नोटिस नहीं किया था. मैं लेकिन नोटिस भी करने नहीं बोल रहा. एक टीचर अपने स्टूडेंट के बारे में जानता है. आई नो. तो जब मैंने एक्चुअली मेरा फर्स्ट मेमोरी स्पीड का तब आता है जब हम लोग मेरे ख्याल से कोई गाना सिखा रहे थे, मेरे तुम ही वो बंदूक कर रहे थे. और पूरे क्लास को सिखा रहा था. आई थिंक उस दिन इंस्ट्रक्टर वाज एब्सेंट जो उस क्लास में, वो जिस क्लास को सिखाता था. मैं दूसरे क्लास को सिखाता था, बट उस दिन आई वाज गिवन द क्लास कि ये भी कर ले भाई, वो एब्सेंट है. तो मैंने वो क्लास किया एंड आई हैव अ मेमोरी कि इशप्रीत वाज सिटिंग, कि वहाँ पे एक पीछे ना एक ऐसा विंडो जैसा था और उसके आगे थोड़ा सा बैठने के लिए स्पेस था, तो वो उस पर बैठी हुई थी और सारा क्लास डांस कर रहा था और ये अकेली बैठ के वो कर रही. तो आई डिड नॉट अंडरस्टैंड एज अ वेरी जेन्युइन टीचर. आई मतलब जब क्लास डांस कर रहा था तो आई वेंट बैक एंड आई आस्क्ड कि आप डांस क्यों नहीं कर रहे हो. तो आई थिंक शी टोल्ड मी कि मेरे पास शूज नहीं है या ऐसा कुछ तो हुआ ना. तो शी टोल्ड मी कि मेरे पास शूज नहीं है. तो मैंने बोला तो क्या हुआ, जस्ट बिकॉज शू नहीं है तो आप डांस नहीं करोगे, ऐसा तो नहीं है, कम डांस. तो शी सेड नो नो आई वाज एब्सेंट. मतलब शी वाज गिविंग रीजन आफ्टर रीजन कि नहीं ये तो मैं भूल गई, वो मैं भूल गई. सो आई सेड नहीं नहीं आप करो, डोंट वरी, यू नो, अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो मैं सिखाता हूँ. तो उस दिन आई थिंक मैंने एक आध दो स्टेप्स में भी हेल्प किया था एंड देन शी स्टार्टेड डांसिंग वेरी नाइसली. She used to dance so nicely and she was very very good in dancing. तब मतलब इतना अच्छा सीधा DID material. But then that is how is my first memory. ये मेरा पहला memory है कि हाँ मैं इशप्रीत करके किसी, मेरे को तो इशप्रीत नाम भी नहीं था. Used to tell your name as Isha, not इशप्रीत. इनको पता नहीं पंजाबी नाम से क्या problem है यार. उसी को पॉपुलर बोलते हैं. मुझ में कोई सेलिब्रिटी एटीट्यूड मैंने बोला नहीं सेलिब्रिटी है.
जो बस उस टाइम से लेके अब टाइम तक चेंजेस यही हुआ है कि मेरा डांस अच्छा हो गया है जरूर। हाँ, और वो भी मतलब मेरी वजह से बोले तो ना यार, खुद ही तारीफ कर रहा है कब से खुद की। अभी अभी सीरियस बात करते हैं, नहीं तो लोग ये व्लॉग ना प्रैंक व्लॉग ले लेंगे इनका ना। सो यार मतलब मैं जब क्लास में गई थी तो बिल्कुल भी डांस नहीं आता था, कुछ भी नहीं आता था। बिगिनर्स बैच का भी डांस में एकदम बकवास करती थी, और उस क्लास में ये था डांस। तो वो तो हुक स्टेप ही है ना, तुम ये बन दो सका, तुम तुझे याद है 2 साल पहले के स्टेप्स? अभी उसमें क्या ही याद रहेगा, तो ये तो उसमें है ना। बंदले तुम ही वो बन दो सका तुम एवरी नाइट क्लेम लगेगा उसको भी। अब उसको 5 सेकंड लेट मी आस्क यू वन मोर क्वेश्चन। तो मतलब तुझे या यू कैन से दैट सॉरी करण जो है मैं सिर्फ इनके साथ करूंगी और किसी के साथ नहीं करूंगी। तो यार मैं क्वेश्चन भूल जाती हूँ यार, तू इतने इतने पहले आंसर दे देता है, तू पहले आंसर रैपिड फायर क्वेश्चन पूछता। हां तो मतलब तुझे ऐसा कभी लगा मेरे को देख के वो क्लास में कि मुझ में डांस डांस का वो है, मतलब कुछ है, मतलब भले मैं कितना भी, तू कैसे तेरे स्टूडेंट्स को जज करता है यूजुअली, मतलब जज इन द सेंस कैसे यू नो पहचानता है कि आज इसका डांस अच्छा नहीं है बट ये सुधर सकता है? सी एक्चुअली इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन, क्योंकि जिसको डांस सुधारना है, जो मेहनत के लिए रेडी है ना, दैट इज द फर्स्ट क्वालिटी दैट इज टेकन इन द कंसिडरेशन। आप कहाँ से शुरू करते हो, आप बॉर्न टैलेंटेड हो नहीं हो, आपका मूवमेंट बॉडी का यू नो फ्लो अच्छा है नहीं है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपको मैं बोलूँ कि आप जिंदगी में डांस करोगे या नहीं, इज वेरी वेरी अपसेटिंग। मेरे खुद के कंपनी में ऐसे एग्जाम्पल्स है इंक्लूडिंग हर, जिनका डांस जब स्टार्ट किया तब उनको एक्चुअली दे हैव स्टार्टेड फ्रॉम 0 to 100 और बियॉन्ड दैट। तो आई थिंक मैंने अपने करियर में एक चीज सीखी है कि अगर किसी ने डेडिकेशन के साथ कोई भी काम किया ना, सो यू कैन नेल इट, इट डजंट मैटर। सो मैं अपने स्टूडेंट्स को उनके डेडिकेशन से और उनके पैशन से टेस्ट करता था, ना कि उनके डांसिंग एबिलिटीज से। हमारे यूजुअली अपने टीम मेंबर्स भी सारे ऐसे ही थे जिनको बिल्कुल भी डांस में यू नो दे वर नॉट एक्सेप्शनली गिफ्टेड इन डांसिंग बट दे वर वेरी हार्ड वर्किंग एंड वेरी डेडिकेटेड। वो दिन दिन भर करने को तैयार थे अगर कोई ट्रेनिंग दोगे तो, बिना किसी कंप्लेंट। एंड आई नो फ्यू पीपल जो बहुत एक्सेलेंट डांसर्स थे लेकिन अब वो कुछ भी नहीं कर रहे डांसिंग में, क्योंकि दे वर जस्ट नॉट रेडी टू गिव देयर यू नो 100%, क्योंकि उनको और 10 चीजें थी, वो लोग अच्छे थे। नेचुरली टैलेंटेड होने का बहुत सारे डिसएडवांटेजेस है कि लोग आपको बहुत तारीफ कर देते हैं तो आपको लगता है कि नो अरे हाँ मैं तो बहुत ब्रिलियंट हो गया, तो फिर यू नो यू नेवर वर्क हार्ड टू अचीव समथिंग। ये तो इनिशियल टाइम हो गया, लेकिन ये मैं सर को मिली थी, मतलब तेजस को मिली थी क्लास में, और उसके आई थिंक 4-5 साल बाद हमने डांस स्टूडियो खोला था ना, काफी साल, मोर देन 5 इयर्स। तो वो एक्सपीरियंस बताएगा अपना जो डिसीजन हुआ था कि द मेजर पॉइंट केम व्हेन वी स्पोक अबाउट द मदर्स कैंसर। तब मेरी मॉम को कैंसर था एंड इश्प्रीत्स मॉम पास्ड अवे बिकॉज़ ऑफ कैंसर। आई थिंक वो एक कनेक्टिंग पॉइंट था जिससे हम लोगों का यू नो वो बातें शुरू हुई कि अच्छा ये, एंड शी एक्चुअली कनेक्टेड कि मेरी मॉम तब एडमिटेड थी हॉस्पिटल में फिर भी मैं क्लासेस करता था वगैरह, सो शी वाज वेरी प्राउड कि आई एम स्टिल वर्किंग, आई वाज वेरी यंग ऑफ कोर्स, मैं 18 साल का रहूंगा तब कुछ प्रॉमिस। तो यू नो दैट इज व्हाट स्टार्टेड आवर इनिशियल कन्वर्सेशन, बट उसके बाद तो फिर जैसे इधर उधर कभी For went to Pune na? हाँ, तेजस पुणे गया IAS करने के लिए, IAS UPSC and मैं बताऊंगी क्योंकि ये 6 मार्क्स से फेल हो गया। बहुत साल से बेचारे ने मेहनत की बहुत सारी, 1.5-2 साल की, और फिर 6 मार्क्स से वो फेल हो गया एंड देन ही केम बैक टू नासिक। एंड उस टाइम तेजस एक्चुअली उसकी गलती नहीं है यार, वो बहुत ड्रीम्स बना के वो गया था कि मैं IAS बनूंगा, एंड वो जब ड्रीम पूरा नहीं हुआ और उसको ये फिक्स था कि मुझे डांसिंग में करियर नहीं करना, मतलब ये तो उसका श्योर था कि मुझे नहीं करना। एंड मेरा क्या यार, मैं तो अपना जॉब कर रही थी एंड मैं अपॉर्चुनिटी आई अगर अच्छी है तो उसको कर लो, मैं ऐसे वालों में से थी तो हम दोनों में ऐसा था, लेकिन हम लोग कॉन्टैक्ट में थे। तो जब तेजस नासिक आया UPSC फेल होके, तो अगेन ही स्टार्टेड
hopping in dance class, you know. अच्छा side income था वो. Yeah, अच्छा side. Talent in that, तो पैसा कमा लेते. And somehow again I said in a last video कि dance is like a therapy. It actually keeps your mind, brain, like you know, calm and कुछ happy लगता है चीजें, you know. You just tend to get relaxed when you dance. तो तेजस को लगा कि अगर मैं वापस डांस में थोड़ा सा करूंगा तो मेरा शायद ध्यान हट जाए इन चीजों से. एंड उसी वक्त मैं भी अपने जो जॉब इश्यूज फेस कर रही थी, एंड आउट ऑफ नोवेयर आई जस्ट कॉल्ड हिम इन आफ्टरनून. एंड क्या बोला मैंने, चलो अपना कंपनी खोल दो. पागल हो गई है तू, अपना कंपनी खोलते ऐसे कैसे, मैं बोला कौन संभालेगा, नहीं मैं तो जॉब छोड़ रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, मैं सुबह करूंगी. फिर तो हो गया. मैडम ने सोच लिया, एक्चुअली शी वाज इन द जोन एक साल से. या मींस मैं एक डेढ़ साल से जुम्बा कर रही थी, एंड आई वाज सर्टिफाइड फॉर दैट आल्सो, इसलिए मैंने थोड़ी हिम्मत दिखा दी. जॉब के बाद मैं रात को मतलब 7 बजे तक जॉब रहता था, 7 से 8, 8:30 तक मैं डांस क्लास करती थी. तो ऑल्टरनेट डेज इट वाज जुम्बा एंड ऑल्टरनेट डेज इट वाज डांस. आई सी, मतलब आउट ऑफ नोवेयर. फिर हम लोगों ने बहुत उस पर बात की कैसे करेंगे क्या करेंगे, लेकिन शी हैड ओनली वन थिंग कि चल स्टार्ट करते हैं, आई वांट टू क्विट माय जॉब. वो जॉब तो नहीं होना है अभी आगे. और मेरा दैट टाइम आई वाज वर्किंग विद माय फादर, मेरा लॉ कंप्लीट हुआ था या कंप्लीट हो रहा था, आई थिंक लास्ट ईयर पे था. तो मैं थोड़ा थोड़ा लॉ कर रहा था और मुझे एक चीज़ समझ में आ गई थी कि लॉ तो मेरे से नहीं होने वाला, क्योंकि अरे बाप रे, मतलब वो बिल्कुल ही मेरे लिए नहीं बना है. तो फिर मुझे, बट फिर भी मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि मैं डांस में करियर कर लूंगा. मैंने सोचा कि हाँ इसको सपोर्ट कर लूंगा, मेरे को इधर से जितना आता है उससे थोड़ा ज्यादा ही आएगा, खुद का करूंगा. तो वैसे सोच के हमने डांस फिट स्टार्ट किया और पहले 3 महीने में इतने मोटिवेशंस मिल गए कि फिर पूरे ही कूद गए हम लोग उसमें, क्योंकि हर किसी ने सोचा कि हमसे नहीं होगा. हाँ, मतलब तो ऐसे सोचोगे तो फिर होगा, फिर होगा. तो फिर तो कैसे नहीं, मतलब हमने जब डांस फिट खोला तो यू नो आसपास से काफी चीजें, यू नो अरे ये अभी बंद हो जाएंगे, अरे मैं मेरे को एक डायलॉग बहुत अच्छे से याद है, इट्स अ वेरी स्ट्रांग डायलॉग. ये ना बोले हवा का झोंका है, ये आएंगे 2-4 महीने खेलेंगे उड़ जाएंगे, वो लोग उड़ गए, हम तो मतलब तूफान बस घूम ही रहे अभी तक. But basically we don't think like that. Actually हम इतना सोचते नहीं, बस पुरानी चीज़ हम लोग. Even that was I feel somewhere the motivation for me to go full time into dancing. ऐसे आपको कौन कैसे बोल सकता है? अरे कैसे बोल सकता है? रुक करके दिखाते हैं, करके दिखाते हैं, फिर वो हो जाएगा. Wow the builder, करके दिखाएंगे. Wow the builder. तो बस हमारा wow the builder था चार साल, because सब लोग बहुत पोक कर रहे थे. एंड फिर एक टाइम आया जहाँ पे हमने मिलियन क्रॉस किए और वहाँ से हमारे सेलिब्रिटी कोलैबोरेशन स्टार्ट हुए. और सबसे फर्स्ट सेलिब्रिटी थे हमारे हार्डी संधू, और उनकी भी अमेजिंग स्टोरी थी. तो मैं बैठी हुई थी, ये आया ईशा, क्या सोनी म्यूजिक से कॉल आया. मैंने कहा अच्छा ठीक है, बोले हार्डी संधू के साथ कोलैबोरेशन है. मैंने चल झूठे, मैंने हार्डी संधू के साथ कोलैबोरेशन है अपना. Oh God, उस टाइम मतलब लिटरली हमको ना ऐसे ऐसे बिलीव नहीं हो रहा था. ट्रस्ट मी, मतलब यू कैन टेल देम बेटर. आई मीन लाइक नहीं, मतलब एक्चुअली चल तभी तो ठीक है, मतलब फिर भी बिकॉज़ मैंने पूरा वो कन्वर्सेशन के थ्रू मेल्स के थ्रू में किया था तो आई न्यू कि ये हो रहा है. लेकिन जब फिर भी स्टूडियो पहुंचे ना हम लोग दोनों ऐसे हां सर No, it was very much fun. और जब हम हार्डी से मिले, अरे ही इज द बेस्ट. उनका एक चीज मेरे को हमेशा याद रह गया, मतलब जब हमने उनको बोला हाय सर बिग फैन, तो उन्होंने हमें बोला सेम ईयर. तो वो एक बहुत बड़ी चीज होती है जब कोई सेलिब्रिटी, जब इतने बड़े कोई सिंगर आपको ऐसे बोलते हैं, तो आप यू नो आपको लगता है कि चलो आपने कुछ किया है. एंड इवन दे रिस्पेक्ट व्हाट वी आर डूइंग. सो ये मैंने हार्डी संधू हो गए, जस्सी गिल हो गए, और भी जो भी सेलिब्रिटीज जिनके साथ, गुरु रंधावा, नोरा फतेही, और भी सारे सेलिब्रिटीज, रकुल प्रीत, सब दे ऑल अ स्वीट हार्ट. आई मीन लाइक, और सबसे अच्छी चीज उनकी ये लगती है ना कि अगर वो आते हैं तो वो भूल जाते हैं वो सेलिब्रिटी, वो इतनी मेहनत से डांस करेंगे. और जिनको डांस नहीं आता, स्पेशली मनिंदर भुट्टर, ओ गॉड उनका एक्सपीरियंस. बट आगे ही डिड इट, मतलब लेटर ऑन ही प्रॉमिस्ड अस कि जब उनका वो गाना आया था, कौन सा था, जमीला, हाँ जमीला गाना आया था, तो हमने बहुत अच्छे से कोरियो सेट किया. और मनिंदर आया, कहते हैं भाई जी मेरे से डांस नहीं होगा, मैं अगली बार बहुत प्रैक्टिस करके आऊंगा, बस इस बार आप मेरा शाउट आउट ले लो.
हम लोग बहुत हंस रहे थे और फिर हमने डांस फिट में उसका कवर बनाया था, बट लेटर ऑन आई सॉ हिज वीडियो एंड ही इज डांसिंग लाइक अगर आपको कुछ बनना है सो यू हैव टू फॉरगेट व्हाट यू आर एंड वेयर यू आर, यू हैव टू हसल, यू हैव टू वर्क हार्ड. ये अगर क्वालिटी किसी में भी है ना तो उसको ग्रो करने से कोई नहीं रोक सकता. लेकिन हाँ एक्चुअली बट हमारे मिलने का तो वही एक ही पॉइंट था ना, मतलब हाउ आई मेट तेजस. बट वो जानना चाहते हैं आप कौन से कैफे में बैठे हैं, आप कौन सा कॉफी पीते हो, आप किसके साथ बैठे, कितने लोग और थे. देखो अब मैं बोलूंगी कैफे के नाम तो वो प्रमोट हो जाएंगे, उन्होंने मुझे कुछ पेमेंट दिया नहीं है. कौन सा कॉफी पीते हो तो हम लोग खाते थे मेरे को अभी भी याद है, ब्राउनी विद आइसक्रीम, मोमोस पहले, और मैं पिज्जा नहीं खाखरा पिज्जा मिसल. मिस्टर अरे नासिक की मिस्टर मतलब बेस्ट. और ये हमारा नाश्ता मिस्टर वड़ा पाव कृष्णाई का वड़ा पाव एंड मेरा ब्राउनी था शाम को 6 बजे और 5 बजे मोमोज. तो एक घंटे शॉर्मा खाता था और इसने मेरे को चिकन खाना सिखाया. मैं तो चिकन भी नहीं खाती थी, इसने मेरे को शॉर्मा का चिकन धीरे धीरे खाना सिखाया. सो या आई मीन लाइक सर ने डांस की भी ट्रेनिंग दी, सर ने खाना खिलाने चिकन खिलाने की भी ट्रेनिंग दी और जिंदगी भी सिखाई और वर्कआउट. बस तेजस सर अच्छा वर्कआउट नहीं लेते. अच्छा हाँ क्यों? जिम वाला वर्कआउट तेजस सर अच्छा नहीं लेते. तेजस सर आपसे एक्सपेक्ट करेंगे आप सडनली 30 kg उठा लोगे. इसको मेरे पे इतना कॉन्फिडेंस था कि मैं 10 नहीं 20 नहीं 30 उठा लूंगी. आज तक जिम वर्कआउट के लिए मैंने अलग ट्रेनर लगाया लेकिन तेजस सर नो फॉर द जिम. तो आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो और प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्प्रिट डैम चैनल एंड आल्सो तेजस ढोकी चैनल. सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय गाइस, लव यू ऑल. ये भी ट्रेनिंग ही है इतने ब्लॉग में भी तो सब्सक्राइबर हूं ना हर बार देखता. हाय गाइस वेलकम टू माय चैनल. आज मैं दूसरी कहानी सुनाऊंगी, मेरा दूसरा ब्रेकअप. फिर मेरे लाइट कैसे फूटे गए. इसकी अरे क्या, हम सब मरने वाले जी हाँ. आप सोच रहे होंगे मैं ये क्या कह रहा हूँ, बंद कर दो मैं ब्लॉग नहीं करूंगा. मरने वाले हैं आप, आपके बच्चे, आपके मैं, हम सब मरने वाले हैं. मैं आपको लाइफ जीने का पर्पस सिखाता हूँ. हंसता तो नहीं है दिन भर करके, इतना हंसते नहीं है तेजस सर, ऐसे करके घूमते रहते हैं हर बार. एंड आई होप यू गाइस एंजॉय योर व्लॉग. एंड नेक्स्ट टॉपिक कौन सा करें लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. और ब्लैक कपड़े वालों को अवॉइड करो, आज व्हाइट स्पेशल डे है, वेयरिंग व्हाइट, सो फोकस ऑन व्हाइट. ये व्हाइट है या सो जिन्होंने ब्लैक कपड़े पहने उनको अवॉइड करो, अभी से मुहूर्त है. एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड फॉर मोर सच वीडियोस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तेजस होके चैनल फॉर मोर. या अरे इनको भी शाउट आउट दे देती हूं, बेचारे फीचर हुए ना आज, देख लेना ये भी बेचारे बहुत मोटिवेशन व्लॉग्स बना रहे हैं. नहीं बट जो भी हम बनाते हैं वी मीन इट राइट, इट्स फ्रॉम आवर पर्सनल एक्सपीरियंस, नथिंग टू जोक अबाउट इट. मेरा चैनल मैं बनाऊं? हां मेरा भी चैनल, मैं अपनी लाइफ शेयर करूंगी बिकॉज़ मेरे लोगों को वो देखना है. हां तो कर सेकंड ब्रेकअप. क्यों सेकंड ब्रेकअप, एक बस हो गया, मेरे को किसी की इतनी हिम्मत नहीं है मुझे सेकंड बार हर्ट करने की. थर्ड ब्रेकअप जब सेकंड इन होगा तो थर्ड का से होगा तेजस. ब्रेकअप द्वितीय, ब्रेकअप द्वितीय. नमस्कार, तुमच्या इकडे आल्याबद्दल खूप खूप आभार. नाउ यू गेट लॉस्ट. बाय गाइस.